हेलो फ्रेंड्स, इस बार की रेसिपी में मैं आपके लाई हूँ आम का अचार। सीज़न ख़त्म हो जाए उससे पहले एक बार फिर बना लेते हैं। क्या आप लोगों का भी आम कई बार ख़राब हो जाता है, या फिर उसमें तेल मसाला कुछ कम पड़ जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता होगा कि जब आपके जो आम के छिलके हैं वो सॉफ्ट नहीं होते होंगे, कड़क रह जाते होंगे। तो चलिए इस बार मैं बताती हूँ आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट। यहाँ पर मैं 3 किलो के आम का बनाने जा रही हूँ, पर मैं आपको 1 किलो के आम की रेसिपी भी बताऊंगी कि 1 किलो का अचार अगर आप बना रहे हैं तो आप उसमें कितना मसाला डालेंगे। जब 2 किलो का आम बनाना होगा तो आप 1 किलो के मसाले को डबल कर देंगे, और 3 किलो का मसाला वो तो मैं आपके साथ डालने ही वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें लेने हैं आम। आम को अच्छे से धो लें, और धो के उसको मैंने तोवेल से पोंछ लिया है। और ये देखिए, पोंछने के बाद भी इसको मैंने एक साफ तोवेल पे सूखने के लिए रखा है, ताकि इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रहे। ये इसकी जो ये इधर गांठ होती है, यहाँ इसके पास से भी सारे जो पानी है वो सूख जाए। और एक जैसे ये वाला आम है, ये वाला आम जैसे कई बार होता है कि आम गिरते हैं वो टूट जाते हैं, तो इस वाले आम पे हमें क्या खास करके ध्यान रखना है कि जब हम इसको कट करेंगे, कट करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा सूखने के लिए फैन के नीचे अलग रख देंगे। क्योंकि हो सकता है अभी ये बाहर से तो सूख गया है, पर अंदर अगर इसके पानी गया होगा तो उस एक आम की वजह से हमें अपना पूरा अचार ख़राब नहीं करना है। तो इसको काटने के बाद हम इसको अच्छे से सुखा लेंगे, उसके बाद हम इसे सारे आम के साथ मिक्स कर लेंगे। कई बार मार्केट में भी आप कटवा के भी आम ला सकते हैं, उसको भी कटवा के आप अच्छे से घर में ला के धो लें, और उस कटे हुए आम को आप अच्छे से सुखा लें। और मैं इसमें आपको बताती हूँ कि इसको अब मैं कैसे कट करूँगी। अगर हमने अप्रैल के स्टार्टिंग के जो आम होते हैं कच्चे वाले, वो जब हम कट करते हैं तो उसमें बीज नहीं होते हैं, तो वो आसानी से कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब तो इसमें खैर बीज आ गए होंगे, तो इनको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप इस आम को या तो क्यूब्स में कट कर सकते हैं, या तो फिर लंबे लंबे भी कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का, बड़ा छोटा वो आप अपनी पसंद के अनुसार आम को कट कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये हमें नहीं लेना है। और अब इसके आम के बीच में गुठली है, इसलिए मैं इसके चारों तरफ से आम कट करके ले रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हम सारे आम को कट कर लेंगे। और अगर आप मार्केट से कटवा के लाएंगे, या फिर आपके पास दाब हो, हसिया जो रहता है उससे आप गुठली के साथ भी अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं। और इसको तोवेल में मैंने इस तरीके से फैला लिया, और फैन के नीचे आप 1-1.5 घंटे के लिए इसको रख दें, ताकि काटने के बाद भी या थोड़ा बहुत जो पानी अगर इसमें होगा तो वो अच्छे से सूख जाएगा, और हमारे अचार के ख़राब होने की जो चांसेस है वो नहीं रहेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका प्रोसेस दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो जब 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा हमारे आम को तोवेल पे सूखे हुए, तो हम एक साफ प्लास्टिक का डब्बा, या फिर आप कांच की बर्नी भी ले सकते हैं, और एक इसको धो के अच्छे से सुखा ले। डब्बे में भी हल्का सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और उसमें हमने आम के सारे टुकड़े डाल दिए। अब हम इसमें सबसे पहले मिलाएंगे नमक। तो यहाँ 1 किलो का जब आप अचार बनाएंगे तो उसमें आप मेजर करके, जो किचन का विंग स्केल होता है उससे आप मेजर करके 150 ग्राम या 160 तक आप उसमें नमक मिला सकते हैं। यहाँ मैं 3 किलो का अचार बना रही हूँ, तो यहाँ आप 480 से 500 ग्राम तक नमक मिला सकते हैं। तो मैं इसमें मिलाने वाली हूँ 1/2 किलो नमक। अब इसमें हम मिलाएंगे नेक्स्ट हल्दी। जब 1 किलो का अचार बनता है तब आप उसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून, ये जो टेबल स्पून होता है हमारा, उससे आप हल्दी मिला सकते हैं। यहाँ मैं 3 किलो का अचार बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच हल्दी डालने वाली हूँ। हल्दी आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, यहाँ मैं 1 चम्मच और डाल देती हूँ, 4। तो 3 किलो के अचार में यहाँ डाला है हमारा
4 टेबलस्पून हल्दी। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। जब 1 किलो का अचार बनाएंगे तो आप इसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये तीखी मिर्ची है, ये कलर वाली मिर्ची नहीं है। और यहाँ पे मैं 3 किलो का अचार बना रही हूँ तो इसलिए यहाँ पे मैं 5 से 6 टेबलस्पून डालने वाली हूँ लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मैंने 5 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाला है। आप जो तीखा है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको थोड़ा सा चटपटा तीखा पसंद है तो आप इतना डाल सकते हैं, वरना आप लाल मिर्ची पाउडर की क्वांटिटी जो है वो आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून। उससे क्या है, मिर्ची से थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा इसमें। और नमक जो हमने इसमें इतना ज़्यादा डाला है वो सिर्फ इसलिए कि जब नमक का पानी छूटेगा तो उससे हमारे जो आम है उसके छिलके हैं वो सॉफ्ट होंगे और हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। अब इसमें हमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है, वो है सौंफ। तो यहाँ पे मैं साबुत सौंफ, जब 1 किलो का अचार बनाएंगे तो आप उसमें 1 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे। यहाँ मैं 3 किलो का अचार बना रही हूँ इसलिए यहाँ मैंने इसमें 3 टेबलस्पून डाली है साबुत सौंफ। अभी इसमें हमने सिर्फ साबुत ये चीज़ डाली है, इसको हमें इस तरीके से ऊपर नीचे करना है ताकि जो हमारे आम हैं वो हल्दी नमक से अच्छे से इस तरीके से लिपट जाए। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है वो नीचे तक थोड़ा पहुंच गया है। अब इसको हमें एक कपड़े से ढकना है, ढक के आप उसको किसी डोरी से बांध दें और घर में ही 2 से 3 दिन इसको रखा रहने दें। गर्मी का मौसम है तो ये पानी जल्दी छोड़ देगा, पर 2 दिन, अगर 2 दिन भी बहुत है, पर 2 से 3 दिन आप इसको इसी तरीके से, जब ये इसका पानी छूटेगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका पानी कैसे छूटता है, तो उसमें रखेंगे। इसको आप फिलहाल अभी धूप नहीं दिखाएंगे वरना आपका जो अचार है वो सूख जाएगा और थोड़ा सा कड़क हो जाएगा चबाने में। और उसके बाद जब ये अचार हमारा 3 दिन इस नमक के पानी में रह जाएगा, उसके बाद हम अपना फ्रेश मसाला बनाएंगे और इसमें मिलाएंगे। तो वो सारा प्रोसेस फ़िलहाल 3 दिन के बाद का है। तो ये देखिए इसको इस तरीके से एक कपड़ा लेना है और इसको हम एक डोरी से बांध देंगे ताकि हमारा कपड़ा ये उड़ के या ढीला हो के इधर उधर ना हो। और इस डब्बे को आप उस कोने में रख दें किचन के या घर के, जहाँ पे इसको बार बार किसी का हाथ ना लगे या फिर कोई इसको छुए ना या इसमें पानी का छींटा ना जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारा डब्बा फ़िलहाल तैयार है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे अगर अभी दोपहर हो रही है, 12 बज रहे हैं, तो ये शाम तक इसमें धीरे धीरे पानी छूटना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी उस टाइम कि जब हमारा धीरे धीरे पानी छूटता है तो ये अचार का डब्बा बाहर से पता चलेगा कि कैसा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 12 बजे रखा था, नमक हल्दी ये सब मिला के। तो आप देख सकते हैं ये नमक ने जो पानी छोड़ा है, तो ये यहाँ तक ये नमक का पानी हो गया है, ठीक है। तो अब जब ये रात का टाइम हो गया है तो इसको हम डब्बे को एक बार थोड़ा सा ऊपर नीचे करके हिलाएंगे, तो ऊपर का जो आम है वो नीचे हो जाएगा और नीचे वाले जो आम है वो ऊपर हो जाएंगे। और इसी तरीके से हमें 2 दिन इसको रखना है। तो आज का दिन मैं रखूँगी, कल का भी दिन रखूँगी और परसों मैं फिर दोपहर में इसमें मसाला मिलाऊँगी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या मसाला और कितना मिलाना है। पहले हम इस डब्बे के जो नमक का पानी है इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका कपड़ा नहीं खोलना है, इस कपड़े में बंधे हुए ही इसको इस तरीके से, ये देखिए, हर तरफ से इसको थोड़ा सा हम हिला लेंगे। ये सारा दिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, जैसे मैंने अभी इसको ये रात में किया है, तो कल जब अगले दिन हम सुबह सो के उठेंगे तो तब एक बार दिन में कर देंगे और फिर जब रात हो जाएगी तब शाम के टाइम फिर इसको एक बार इस तरीके से ऊपर नीचे कर देंगे। तो क्या होगा कि जो ऊपर का भी आम है वो नीचे जाएगा तो फिर उसके भी छिलके सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े नमक के पानी की वजह से,
और उनमें पानी भी नमक का अच्छा लग जाएगा तो हमारा अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो अब मैं आपको ये दिखाऊंगी 2 दिन बाद। तो अब यहाँ पे हम करेंगे अचार में मसाले की तैयारी। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ कप, ये 200 ml का जो कप होता है उसके सेट का हाफ कप है। और हाफ कप यहाँ मैंने लिया है साबुत धनिया। और ये 3 किलो का जब आम का अचार बनाएंगे तो ये उसका मेजरमेंट है। जब आप 1 किलो का आम का अचार बनाएंगे तो आप उसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून धनिया डालेंगे। मैं इस वीडियो के एंड में दोनों 1 kg और 3 kg दोनों का मेजरमेंट लिख दूंगी कि कितना आम और कितना मसाला, कितना तेल लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम 3 kg के हिसाब से मसाला मिलाएंगे। 1/3 कप या फिर 3 टेबलस्पून आप नाप के इसमें मिलाएंगे कलौंजी, हाफ कप साबुत जीरा, 1/3 कप मेथी, 1/4 कप अजवाइन। अजवाइन आप इसमें थोड़ा सा कम कर सकते हैं वरना आपके जो मसाले का टेस्ट है वो हल्का सा तीखा हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमें मिलानी है सरसों। तो आप चाहें तो पूरी पीली सरसों मिलाएं, पूरी काली नहीं मिलानी है, या फिर आप चाहें तो इसको हाफ हाफ क्वांटिटी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीली सरसों ज़्यादा ली है, हाफ कप हो गया यहाँ मेरी पीली सरसों, और 1/4 कप में थोड़ा सा कम है काली वाली जो राई होती है हमारी, और ये पीली वाली राई। अगर आप काली वाली राई ज़्यादा डालेंगे तो आपके अचार का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, थोड़ा ब्लैक। तो वो आपके अकॉर्डिंग है, अगर आप चाहते हैं तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो तो आप ब्लैक वाली मिलाएं, वरना पीली वाली ही अचार में मिलाई जाती है, उससे आपके अचार का कलर भी अच्छा आएगा। और लास्ट हमारा इसमें डलेगा 1 कप सौंफ। और अब इन सब मसालों को हमें भून लेना है। तो गैस पे अब मैं चढ़ाऊंगी कढ़ाई, तो गैस को हल्की मीडियम गरम कर लें और उसमें अब मैं डालूंगी हमारे ये साबुत मसाले, और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसको 3 से 4 मिनट भूनना है, और जब इसको हम भूनेंगे तो ये भूनते भूनते हल्की इसमें अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको हाई फ्लेम पे बहुत जल्दी ना भूने ताकि आपका मसाला जले ना। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारे मसालों को भूनते हुए, और ये भून चुके हैं, इसमें से खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसको अब मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। फैन के नीचे मसालों को हमें अच्छे तरीके से पूरा ठंडा कर लेना है और उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो पूरा ठंडा हो चुका है। तो जो हमारा मिक्सी का जार होता है वो होता तो खैर बड़ा ही है पर मसाला क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको 2 बार में करके पीसेंगे क्योंकि 1 बार में वो उतने अच्छे से पीसेगा नहीं। और अगर हम एक साथ डाल के पीसने को होंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा बारीक पीस जाएगा या फिर ढंग से पीसेगा नहीं। तो अब इस मसाले को हमें बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा मसाला पिसा है वो ना तो पूरा पाउडर है और ना ही पूरा साबुत, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा दरदरा सा मसाला पिसा है। तो आप लोग इसी तरीके से पीसे, वो पाउडर फॉर्म में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अब बारी आती है उस अचार की जो 3 दिन से नमक हल्दी के पानी में रखा था। तो ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा चढ़ गया है, इसमें हल्दी और नमक अच्छे से मिलाया हुआ है, इसलिए मैं इस मसाले में हल्दी नमक नहीं मिलाऊंगी। पर अगर आप लोगों को हींग से कोई दिक्कत ना हो तो आप इस मसाले में 1 टीस्पून हींग मिलाएं, और अगर आपको हींग नहीं पसंद है तो फिर आप इसको पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, बिना हींग के भी मसाला बहुत अच्छा बनेगा अचार का। और इस मसाले को अब हम मिला देंगे हमारे इस अचार में।
अगर आपको बाद में ऐसा लगता है कि अचार का मसाला जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है आपको, या उसमें आपको और मसाला चाहिए, तो आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें क्वांटिटी ले लेके एक एक दो दो टेबलस्पून जो मसाला 1 किलो का जो मेजरमेंट मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी, उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा मसाला और ऐड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमें इसी तरीके से हमारा मसाला चाहिए था कि वो आम में अच्छी तरीके से लिपट जाए। और अब बारी है इसमें तेल मिलाने की। तो अब इसमें हम मिलाएंगे कच्चा सरसों का तेल। 1 किलो के आम के अचार में हमारा 250 ग्राम सरसों तेल लग जाता है। तो ये 3 किलो का अचार है, तो 1 किलो से थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहाँ सरसों का मैंने एक पूरी नई बॉटल सरसों तेल की ली है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसमें कितना तेल बचता है। और इस तेल को हमें ऊपर तक भर लेना है, जितने आम हमारे उसमें डूब जाए। तो ये देखिए इस तरीके से। अब अगर धूप बहुत अच्छी तेज निकली है, यहाँ पे हमारा आधा लीटर तेल ही लगा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें तेल नहीं भरा है, इतना ठीक है। अगर आपके मसाले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा अगर आप रखेंगे, तो फिर इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अगर धूप बहुत अच्छी तेज़ निकली हो, तो इसको 2 दिन आप धूप दिखाएं अच्छे से। और अगर धूप थोड़ी हल्की है या आधी जा रही है, तो 3 से 4 दिन इस डब्बे को कपड़े से, जो हमने कपड़ा इस पे बांधा हुआ था, उसी पे ढक के इसको 3 से 4 दिन धूप अच्छी वाली दिखाएं, ताकि इसका जो आम का पानी इसमें है वो सूख जाएगा और फिर आपका अचार बनके तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे ये आम थोड़ा पुराना होता जाएगा, यूँ समझ लीजिए कि मसाला डालने के बाद आपका अचार रेडी है। पर 1 हफ्ता जब हो जाता है ना, तो 1 हफ्ते बाद इस अचार का जो टेस्ट है वो आना शुरू हो जाता है, और तब ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारा आम तैयार है, बस ये 3 दिन इसको धूप दिखाएंगे और फिर इसको इंजॉय करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो आप भी ये आम का अचार घर पे बनाएं और इसको इंजॉय करें। और हाँ, ये जो मेरा आम का अचार है, ये मार्केट स्टाइल का बिल्कुल नहीं है। ये नानी के घर का, या जो पुराने टाइम में जो मम्मी लोग घर पे अचार बनाती थी, ये वो वाला फ्लेवर आपको इसमें आएगा। तो अगर आपको घर का अचार पसंद है, तो आप ये मसाला डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।